यूपी के कन्नौज में फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी पाने वाले 13 फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। एसआईटी की जांच के दौरान इन 13 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। बेसिक शिक्षा अधिकारी के ओझा ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति की जाँच चल रही है, जिसमें 13 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, जिसके बाद इन सभी शिक्षकों के खिलाफ धोखाधड़ी कर नौकरी पाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही कहा कि इन सभी लोगों से तैनाती के समय से वेतन की रिकवरी की जाएगी। जनपद कन्नौज में एसआईटी की जांच के बाद जो 28 देश की सूची मिली है पूरे प्रदेश की, उसमें कन्नौज जनपद में 13 शिक्षक ऐसे जो फेंक पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको बर्खास्त किया गया तथा उन पर रिकवरी के आदेश किए गए। समस्त खंड संबंधित समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। उसी के अनुक्रम में सभी पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। कितने शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? 13 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसमें संबंधित ब्लॉक के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज कराई है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।